उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज़, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वैसे मोटे देख रहे पहाड़ों की खबर, सुरक्षित खबर, आपका अपना चैनल वैसे मोटे। इंटर कॉलेज अदाली खाल द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लेंसी डाउन विधायक महेंद्र दिलीप सिंह रावत, अभिभावक संघ के अध्यक्ष पृथ्वी परनवाल, कांग्रेस पार्टी ब्लॉक मनीष सुंदरियाल, गौ माता अध्यक्ष राम सिंह उनियाल, प्रधानाचार्य आशीष पांडे, विद्यालय के अध्यापक सुरेंद्र सिंह बिष्ट और क्षेत्रीय जनता छात्र संघ और सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे। बच्चों द्वारा यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ से जायजा लिया हमारे सहयोगी महिपाल रावत ने, देखी है रिपोर्ट। जब हमारे मुख्य अतिथि जी आएंगे, आप स्वागत कर स्वागत है लगेंगे। जब हमारे यहाँ पे मुख्य स्वागत ऐसे पीछे मुड़ जाने रे, पीछे 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 मुड़ जाएंगे, पीछे मुड़ जाओ, अरे पीछे की तरफ पीछे मुड़ेंगे, पीछे मुड़ मुड़ो, चलो चलते रहो। कुमारी कनक डॉक्टर सुरेंद्र सिंह रावत, कुमारी कनक कक्षा 7 कुमारी सुरेंद्र सिंह रावत, कक्षा 9 शौर्य राव रणवीर सिंह राम मुखेलगांव, कुमारी मनीषा, कुमारी सौम्या डॉक्टर ऑफ श्री राजेंद्र प्रसाद ग्राम नलाई, कुमारी शौमिन सन ऑफ श्री दीपचंद ग्राम डुंगरी, नितिन ग्यारहवीं, कुमारी प्रेरणा डॉक्टर ऑफ श्री सुरेंद्र सिंह राम देवला, 12वीं कुमारी मुस्कान डॉक्टर ऑफ श्री सोहन पोखरिया, कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। और आप अपना प्रोग्राम, क्योंकि विद्यालय के क्षेत्र को समर्पित है, आप लगातार जारी रखिए।
और हमारी शुभकामनाएं, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, ऐसा उन्होंने मुझे कहा। महोदय, यहाँ पर तमाम क्षेत्र की जनता जो उपस्थित है, ये इस विद्यालय के प्रति इनके प्रेम को दर्शाती है और हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर चलती है। और जब भी विद्यालय को कोई कमी होती है, हमारी इस क्षेत्र की जनता ही इस कमी को पूर्ण करती है। चाहे उस समय जिस समय बिल्डिंग नीचे गिर गई थी, चाहे इन्होंने अपना श्रम दिया, परिश्रम किया, यहाँ पर श्रमदान किया, हम उसको नहीं भूल सकते हैं। हमारे इस क्षेत्र के पूर्व छात्र कि हमारे एक आह्वान से उन्होंने जो हमारे अकाउंट है उस पे लगभग 5.5 लाख रुपए उन्होंने जमा करे। मैं इस मंच के माध्यम से उन सभी पूर्व छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे माननीय विधायक जी का, जो कि जब भी हमने इस मंच के माध्यम से उनको बुलाया, और वास्तव में अभी मैं बताता हूँ आपको कि उनके पास भी बहुत अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ पर आए और बार बार मुझे इंगित कर रहे हैं कि जल्दी करो। मैंने कहा सर कि थोड़ा सा आपका थोड़ा और समय चाहिए हमें। जब भी आपको बुलाया, आपने हमारे हृदय की पीड़ा को सुनते हुए पहले एक कक्ष वहां पर दिया है जो हमारे प्रिंसिपल ऑफिस के रूम के ऊपर बन रहा है, 6 लाख उसमें दिए हैं आपने, 5 लाख एक नए कक्ष के निर्माण के लिए आपने इस विद्यालय को दिया है, 2 बार का फर्नीचर आपने इस विद्यालय को दिया है, 1 बार आपने कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर आपने इस विद्यालय को दिए हैं, और साथ ही साथ अनगिनत बार अपना आशा कर रहा हूं। और डिग्री कॉलेज का हमने चयन किया है, वहाँ का कोई दुविधा न हो, क्योंकि लोगों ने जमीन देने से मना कर दिया है यहाँ, इसलिए मैं चाह रहा था कि लेकिन मुझे वहाँ पर, क्योंकि केंद्र में है, बच्चे भी वहाँ पर पढ़ते हैं, तो वहाँ पर एक मिनी स्टेडियम कर रहे हैं हम, ताकि आप सब हमारे नौजवान बच्चे हैं जो वहाँ पर अपना खेल खेल सकें। और भी अभी विद्यालय परिवार ने कहा, मेरे सारे विद्यालयों में कंप्यूटर देने का, ई लर्निंग का मैंने यहाँ भी दिया है, और सारे लगभग सारे इंटर कॉलेज में, कि ताकि ई लर्निंग के माध्यम से बच्चे जो हैं वहाँ पर पढ़ा सके। मेरा सभी टीचरों से भी निवेदन है, वैसे मैं देख रहा हूँ कि वातावरण विद्यालय का बहुत अच्छा है, लेकिन तब भी है कि मैं भव्य बनाने का प्रयास मैं करूँगा। शुरू हो गया और यूं 76 सालों हम लोग कक्षा और कक्षा 5 यूं तमाम पर हम लोगों के नजर जाने कि आज देश जगह के हमार ये नैनी डांडा विकास खंडा भी बहुत बड़ी योगदान से 1921 में जब महात्मा गांधी भारत भ्रमण में आए तो उन गुजरू की बाल डोली बाल चार साल्टर अल्मोड़ा जिला साल्टर और पौड़ी जिला नैनी डांडा ब्लॉक का गुजरू जैन के परसोली जगमोहन सिंह रावत जी डुंगरी खान सिंह रावत जी हमारे बगल बरात शीशराम पोखरियाल जी गीताराम पोखरियाल जी सदानंद सुंदरियाल जी मखराम बलोदी जी मखराम भदोला जी और तमाम नहीं ना 17 सैनिक के प्राथमिक विद्यालय डुंगरी श्री सतपाल सिंह रावत जी अध्यक्ष शिक्षक अभिभावक संघ राजकीय इंटर कॉलेज कोचियार श्री अनूप सिंह असवाल जी पूर्व प्रधानाध्यापक उसके साथ साथ विद्यालय के प्रबंध समिति के उप प्रबंधक श्रीमती मुन्नी ध्यानी जी श्री सदस्य श्री धन सिंह जी श्रीमती प्रभा देवी जी श्री बिरजराज रावत जी श्री बलवीर सिंह जी श्री मनोहर सिंह जी श्री राम सिंह रावत जी श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी कुमारी प्रियंका भट्ट श्री बनवारी लाल सुंदरयाल जी विद्यालय के सम्मानित प्रधानाचार्य जी
और हमारे शिक्षक अभिभावक संघ के हमारे सम्मानित अध्यक्ष श्री प्रभुपाल पर्णवाल जी, एसएमसी के अध्यक्ष श्री किशन सिंह जी, गुसाई जी, क्षेत्र के सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, समस्त अभिभावकगण, और आज बड़े हर्ष का विषय कि हमारे बीच में हमारे पूर्व अध्यापक श्री नरेंद्र सिंह रावत जी हमारे बीच में पहुंचे। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। हमारे बीच में हमारे गुरु जी श्री जगत राम ध्यानी जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका भी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद अदा करता हूँ। उसके साथ साथ उपस्थित यहाँ पर क्षेत्र के सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, समस्त अभिभावकगण, मातृशक्ति के रूप में उपस्थित मेरी माताएं, बहनें, और इस जो विद्यालय में एक महत्वपूर्ण भूमिका पूर्व छात्रों के रूप में हमारे कई पूर्व छात्र यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनका भी धन्यवाद अदा करता हूँ। उसके साथ साथ यहाँ पर वॉइस ऑफ माउंटेन के श्री महिपाल रावत जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, और प्यारे बच्चे सर माननीय विधायक जी आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित थे जनता इंटर कॉलेज अदालीखाल में। सर आज का जो ये कार्यक्रम है एक कैसा रहा आज? ऐसा आज सभी क्षेत्रवासियों को, सभी देशवासियों को पहले तो स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्योंकि अदालीखाल जो हमारा इंटर कॉलेज है, अशासकीय विद्यालय है, उसका आज क्षेत्रवीं जो है वर्षगांठ भी थी, और 17वीं आप हमारी देश की आज़ादी के भी वर्षगांठ है। इसलिए मैं आज इस कार्यक्रम में, बहुत ही भव्य कार्यक्रम विद्यालय परिवार ने यहाँ पर किया, उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। क्षेत्रीय जनता का जिस तरह से सहयोग है, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि विद्यालय का उज्जवल भविष्य है और आगे बच्चों के भविष्य के लिए काम करेंगे। मैं इसी निमित्त यहाँ पर आया था और सबको बधाई देने। दोस्तों आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की आवाज, और पहाड़ों की आवाज हमेशा से पहाड़ों की आवाज उठाता आया है। आज हम स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राजकीय इंटर कॉलेज अदालीखाल में मौजूद हैं, और हमारे साथ प्रधानाचार्य जी पंडित मौजूद हैं। क्षेत्रवां स्थापना दिवस विद्यालय मना रहे सर, अभी तक कैसी तैयारी चल रही है? सर्वप्रथम आप सभी वॉइस ऑफ माउंटेन्स के जितने भी व्यूवर्स हैं, एवं साथ ही साथ चैनल के हमारे अधिकारीगण, हमारे रिपोर्टर्सगण, एवं समस्त क्षेत्रवासियों को विद्यालय परिवार अदालीखाल इंटर कॉलेज की तरफ से स्वतंत्रता दिवस समारोह एवं हमारे विद्यालय का 76वां स्थापना दिवस, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत बधाई, और विद्यालय की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। अब तैयारियों की बात, तो हमेशा की तरह हम इस जो समारोह है इसको एक स्थापना दिवस के रूप में ही मनाते आते हैं, क्योंकि क्षेत्र के बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं संस्थापक सदस्य, जिसमें हमारे सर्वप्रथम श्री कुंवर सिंह असवाल जी भी हैं जो कि इस विद्यालय के फाउंडर मेंबर हैं, एवं हमारे सर्वप्रथम जो मैनेजर थे, प्रबंधक थे, स्वर्गीय श्री थान सिंह रावत जी, जो कि इस क्षेत्र से स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपना प्रतिभा किया, उनकी याद में मनाते हैं, एवं अपनी तरफ से विद्यालय परिवार की तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि विद्यालय का जो कार्यक्रम है बहुत अच्छी तरह से हर्षोल्लास से मनाया जाए, और उसकी कार्यक्रम बहुत समय से ही हमारी होने लग जाती है, तैयारी समय से होने लग जाती है। और आज आप देखेंगे किस प्रकार से बच्चों का अपना परफॉर्मेंस रहता है, और क्षेत्र की जनता का भी यहाँ पर उत्साह बना रहता है कि अदालीखाल इंटर कॉलेज में प्रोग्राम। अच्छा, विद्यालय तो जब हम आए थे यहाँ पे, जब ये चुनाव भी हुए थे, तो ये विद्यालय निर्माण को लेकर बात चल रही थी, आज यहाँ पे जी हाँ, इसके लिए सर्वप्रथम मैं श्रेय देता हूँ कि जो हमारी नई मैनेजमेंट कमेटी है, उसमें चाहे अध्यक्ष जी हैं हमारे श्री शिशुपाल कंडारी जी, चाहे हमारे माननीय प्रबंधक जी हैं हमारे श्री पद्मेश सिंह असवाल जी, और हमारे कमेटी के उपप्रबंधक हैं मुन्नी ध्यानी जी, चाहे हमारे जितने भी सदस्य हैं, कोषाध्यक्ष हैं अजीत नेगी जी, और हमारे सदस्यगण सुरेंद्र सिंह नेगी जी, राम सिंह उनियाल जी, अजीत भाई हो गए, और हमारे विश्वपाल सिंह जी हो गए, तो प्यार से हम नीलू भाई बोलते हैं उनको, उन सबके प्रयासों से, और मनोहर भाई उबई के प्रयास से, और हमारे जो मरूनी सदस्य अनिल भाई हैं,
हमारे मनोनीत सदस्य प्रधान ग्राम प्रधान प्रियंका जी हैं, हमारे मनोनीत सदस्य श्री हमारे गुरुजी बनवाईलाल सुंदरियाल जी हैं एवं विद्यालय के समस्त स्टाफ के द्वारा, और उसमें एक उपाध्यक्ष का नाम उपाध्यक्ष जी का नाम लेना मैं भूल गया, हमारी ज्योति शर्मा जी हैं, इनके माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे प्रयास किए गए। और आज आप देख सकते हैं कि हमारे फिलहाल जो चार कमरे बन रहे हैं, फिलहाल दो ही कमरे अभी तैयार हो रहे हैं, लेकिन आगे एस्टिमेट कितना आता है उसमें हमारे चार कमरों का प्रस्ताव है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो माननीय क्षेत्रीय विधायक है महंत दिलीप रावत जी, उनके द्वारा हमें दो कमरों का एक पहले दिया था और एक अभी समय वर्तमान में दिया है, उन्होंने भी एक कमरे का हमारा प्रस्ताव स्वीकृत किया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही स्टाफ का भी तो हमेशा हम सहयोग रहता है विद्यालय को बनाने में, और चार कमरे बन रहे हैं, बहुत अच्छे से काम हो रहा है और आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि प्रबंध समिति और हम स्टाफ सब मिलके काम चल रहे हैं, क्षेत्रीय जनता हमारा सहयोग कर रही है, पूर्व छात्र हमारा सहयोग कर रहे हैं सबके सब, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद विद्यालय को बनाने के लिए। तो पिछले वर्ष यह विद्यालय की चर्चा चल रही थी अतिरिक्त कक्षों के बारे में, और आज ये बन के तैयार हो रहा है, और स्थानीय लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। सर, ये पिछली बार इस पे चर्चा चली रही थी कि ये बनेगा कैसे बनेगा, लेकिन अब बन के तैयार हो रहा है। हाँ, प्रबंधक कमेटी बैठ बन गई है तो काम शुरू हो गया, और लेकिन सर चारों में बढ़िया भी दोनों बनना है, फिलहाल चारों में बनेगा, नीचे भी रिपेयरिंग रिपेयरिंग होंगे काम तो कर। अच्छा, इसमें जैसे प्रबंधक समिति और प्रधानाचार्य जी के सहयोग इसमें बहुत अच्छा रहा है ना, प्रबंधक समिति के सचिव ही प्रधानाचार्य होते हैं तो वो तो साथ के साथ हो जाते हैं, करना ही पड़ता है। विद्यालय परिवार के सदस्य हमारे साथ किसी मौजूद हैं, हमेशा से जागरूकता बनाए रखे हैं समाज के अंदर। सर, आज विद्यालय जैसे कि प्रधानाचार्य जी ने कहा कि जब से हमारी पर्वत समिति यहाँ पर निर्वाचित बहुत अच्छा काम कर रही है और सब लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं, हमारे जो है प्रबंध समिति हो गए, हमारे शिक्षक आवासन हो गया, हमारे SMC हो गया, सभी लोग जितने भी क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं जागरूक लोग हैं, पूरा सहयोग उनका मिलता है, और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि उनका सहयोग विद्यालय को इसी तरह से मिलता रहेगा और विद्यालय लगातार नई ऊँचाई को छुएगा, ये मुझे आशा है। फाउंडेशन हमारे पहाड़ में जो गरीबों की समस्या है, जिस समस्या से लोग जूझ रहे हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, रोजगार यहाँ है नहीं, पलायन हो गया और सिस्टम बिगड़ा हुआ है। जय प्रणाम, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।